हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार कश्यप। वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ऑफ लाइफ न्यूज। आज के विषय में हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है कृष्ण कमल। वस्तुतः इस वनस्पति को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कृष्ण कमल, राखी कमल, झुमका या फिर घड़ी फूल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इस वनस्पति को अंग्रेजी में पर्पल ग्रैंडिला या फिर पर्पल वाटर लेमन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको अंग्रेजी में स्टाइंग किंग पैशन फ्लावर के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, और इस वनस्पति का जो बॉटनिकल नेम है वह है पैसी फ्लोरा फोटिडा। ठीक है, और इसका स्वरूप जो होता है वो लता स्वरूप होता है, और यह एक विषाक्त वनस्पतियों में है। औषधि प्रयोग करने के लिए इसकी मात्रा का प्रयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है। ठीक है मित्रों, और इस वनस्पति का जो औषधि प्रयोग करते हैं वो किन किन रोगों में करते हैं वो मैं जानकारी बता दे रहा हूँ। जैसे कि दंत रोग, पायोरिया, श्वास रोग, उन्माद, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, पित्त रोग, दर्द सूजन के रोग, कफ बलगम के रोग, गठिया साइडिका जैसे रोगों को यह दूर करने में रामबाण औषधि का काम करता है। कहीं कहीं उदाहरण है कि उस वनस्पति का उपयोग साइटिका, नसों का तड़कना, माइग्रेन, हथकपारी जैसे रोगों में, या फिर नाभि पकने जैसे रोगों में, तालू का जलन, इस प्रकार से रोगों में इसका औषधि प्रयोग लोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।